चैनल आज हम लोग एक DIY RGB LED का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो बेसिकली साउंड रिएक्टिव RGB LED स्ट्रिप है। तो बेसिकली डीजे वगैरह में ये आप लोग देखे होंगे साउंड को लेके ऑटोमेटिकली RGB LED का स्ट्रिप कंट्रोल होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक पुराना वाला RGB स्ट्रिप पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा उसको लेके कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो मेरे दिमाग में ये वाला प्रोजेक्ट आया। तो अगर आप मूवी देखते हो या गाना सुनते हो तो ये प्रोजेक्ट बनाने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपका साउंड के हिसाब से ऑटोमेटिकली लाइट कंट्रोल होगा, तो थोड़ा एनवायरमेंट अच्छा वाला क्रिएट हो जाएगा। जितने भी सारे कंपोनेंट लिस्ट हमको चाहिए सारा का सारा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अमेज़न लिंक का, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। कोड एंड सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मेरा गिटअप का लिंक, वहां से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगेगा सो लेट्स मेक इट। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा नॉइज सेंसर है, ये तीनों मॉस्फेट और आर्डिनो नानो। तो ये दो वायर जाएगा मेरा 5 वोल्ट को, तो ये मेरा SMPS से कनेक्ट करूंगा SMPS पे, और यहाँ पे मेरा 12 वोल्ट का SMPS लगेगा। तो मेरे पास एक छोटा वाला SMPS है उसको भी मैं यूज करूंगा 12 वोल्ट के लिए, और ये सारा का सारा अंदर रह के उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो लाइट को यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके पहले ये 3D प्रिंटर को यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये सारा सामान को, और ये नीचे मैं पावर सप्लाई को सेटअप करूँगा। सो चलो करते हैं।
ये 12 वोल्ट का SMPS है, यहाँ पे देख सकते हो 12 वोल्ट 2 एम्पियर। तो ये SMPS जाएगा मेरा RGB लाइट को, और ये वाला SMPS जाएगा मेरा आर्डिनो को। टाइप का कंटेंट आपको सीखना है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हो, वहां पे मैं रोज नया नया चीज डालता हूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।